पिछले 15 वर्षों से विराट दंगल का आयोजन स्वर्गीय बापूजी सुंदरलाल यादव इनके स्मृति में किया जाता है। उसी तर्ज पर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी विराट दंगल और रक्तदान शिविर व आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने इसका लाभ लिया। विराट दंगल में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पहलवान ने हिस्सा लिया है। दंगल के इस मुकाबले में नागपुर के पहलवान ने बाजी मारी, उन्हें पारितोषिक और नकद इनाम दिया गया। साथ ही सभी सहभागी हुए पहलवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ऐसी जानकारी शिवसेना जिला प्रमुख पंकज एस यादव इन्होंने दी है। विगत कई सालों से क्षेत्र में अनोखे उपक्रम के बारे में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरेगढ़ के जिलाध्यक्ष पंकज यादव आयोजित करते आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने गोंदिया उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान किया गया और स्वर्गीय बापूजी सुंदरलाल यादव के स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। साथ ही आरोग्य शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में नागरिकों ने इसका लाभ लिया। स्वास्थ्य संबंधी सेवा हो या फिर किसानों की समस्या, युवाओं की आवाज, रोजगार हेतु आवाज वह उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इस भूमिका में अग्रसर दिखाई दे रही है। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।